शुरुआत हम दोस्तों लिंक से करते हैं, सिंपल लिंक से। और दोस्तों एंकर टैग को यूज किया जाता है लिंक क्रिएट करने के लिए। इसका सिंटेक्स है ahref means hyperlink reference, और इसके अंदर दोस्तों लोकेशन लिखी जाती है उस वेब पेज की जहाँ पे इसको हमने भेजना है। तो उसके बाद दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं ए टैग। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक हियर। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है ये वेब पेज पे शो होगा या डिस्प्ले होगा, जो हम इसके अंडर लिंक की फाइल का नाम लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो दोस्तों इसको लिंक क्रिएट करने के लिए हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, उसका मैं नाम रख देता हूँ second.html। और मैं इसे सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूँ हेडिंग को second.html second page। और दोस्तों यहाँ पे अब मेरे को इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसका है second.html इसकी एक्सटेंशन। और इसी तरह से इस पेज में मैं लिखूंगा first.html। अब मैं दोस्तों इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे लिंक क्रिएट हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा क्लिक हेयर, और भैया आप देख सकते हैं सेकेंड पेज पे चला गया। अब मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट पेज पे चला गया। तो दोस्तों इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लिंक्स को HTML में क्रिएट करते हैं। दोस्तों हम लिंक्स जो हैं वो वेब पेजेस के साथ भी लगा सकते हैं, तो जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये google.com है, मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे मैं जो हाइपरलिंक रेफरेंस है यहाँ पे मैं गूगल का एड्रेस डाल देता हूँ। अब मैं इसको फायरफॉक्स में लॉन्च करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये google.com पे चला जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये google.com इसने ओपन कर दिया है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इमेज को ऐसे हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने सिंपल इमेज को यूज किया था, उसमें कोई हमने लिंक नहीं लगाया था, कोई इसके साथ वर्किंग नहीं की थी, सिंपल हमने इमेज को इंसर्ट किया था HTML डॉक्यूमेंट में। अब मैं करता हूँ कि इमेज में मैं क्लिक करूंगा और जो मैं हाइपरलिंक में इसका रेफरेंस दूंगा, जो भी URL या जो भी फाइल का नाम दूंगा वो वहां पे चला जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इसके लिए मेरे को क्लिक हेयर की जगह यहाँ पे इमेज टैग लिखना पड़ेगा, फिर उसका सोर्स देना पड़ेगा जहां पे ये सेव है। ये है इमेज yarn.jpg मेरी फाइल का नाम है। इसके बाद मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। मैंने इमेज टैग क्लोज कर दिया। अब मैं जब इसको फायरफॉक्स में खोलूंगा तो आप देख सकते हैं ये इमेज डिस्प्ले हो रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये google.com पे चला जाएगा या जो भी आपने वेब पेज का एड्रेस दिया हुआ है तो वहां पे चला जाएगा।